हेलो फ्रेंड, आप लोग को स्वागत है अपना चैनल ऑनलाइन स्टडी पे। और मैं हूँ रोशन कुमार। तो आज की इस वीडियो में सॉल्व करेंगे मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यदि आप कोई भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो आपके लिए जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर वन है, तो क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है कि 15 आदमी एक काम को 10 दिन में करता है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 15 आदमी जो है वो एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो इसी काम को 20 आदमी कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक सूत्र होता है, आपको जानना चाहिए कि M1D1 = M2D2। मतलब कि पहले कितना आदमी है और पहले कितना दिन लग रहा है, फिर कितना आदमी बाद में है और कितना दिन बाद में लग रहा है। तो एक बात बताइए, पहले से कितना आदमी था? 15। 15 आदमी एक काम को 10 दिन में करता था, 15 × 10, फिर उसी काम को 20 आदमी, तब आदमी जो है कितना हो गया, कितना दिन में करेगा तो नहीं पता है। 1 0 से 0 कैंसिल, 2 से 15 कितना बार में कट जाएगा, तो 7.5 बार में। तो x का मान कितना आ गया, 7.5 दिन। तो हमें पता चल गया कि अभी ये काम कितने दिन में होगा, 20 आदमी जब करेगा तो 7.5 दिन में, 7.5 दिन में। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे जो है पहला का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर टू। तो क्वेश्चन नंबर टू में क्या कह रहा है कि यदि x − 2y = 3 और xy = 5 है तो x²−4y² का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया हुआ है डाटा, x − 2y = 3 दिया हुआ है और xy = 5 दिया हुआ है। हमसे पूछा जा रहा है कि x²−4y² का मान बता दो, इसके लिए क्या करेंगे। अब एक बात बताइए, x के जगह पे यदि हम सोचे कि 5 और y के जगह पे 1 रख दें तो 5 × 1 क्या होता है, 5 ही होता है। आप x के जगह पे 1 और 5 भी सोच सकते हैं, लेकिन वो गलत होगा, कैसे सो देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए x के जगह पे 5 रखेगा तो 5 − 2 × y का मान कितना है, 1 है। 5 में से 2 घटेगा तो कितना, 3। 3 क्या बराबर हो गया 3 के, तो ये क्या है, सही है मेरा मानना। तो x के जगह पे 5 और y के जगह पे 1 रख दीजिए, 5 के² − 4 × 1 के² 5 के² 25 − 4 कितना हो गया, 21 हो गया। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर टू का कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थ्री। तो क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या कह रहा है कि निम्न का मान क्या होगा, हमें दिया हुआ है −15 − 15 + 90 / 89 − 9 × 8 + 33 − 3 × 7 (curly bracket) और (b bracket). इसको ही हम लोग को सॉल्व करना है, आपको तो क्वेश्चन में दिखाई भी दे रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए बोर्ड मास का रूल, BODMAS, ठीक है, बोर्ड मास याद होना चाहिए। बी से ब्रैकेट, ब्रैकेट में भी सबसे छोटा पहले को सॉल्व करते हैं, उसके बाद महिला, उसके बाद बड़का को, उसके बाद का को, उसके बाद डिवाइड को, उसके बाद गुणा को, उसके बाद एडिशन को, उसके बाद सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव को। यहाँ पे देखिए सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, −15 + 90 / 89 − 9 × 8। अब एक बात बताइए, 3 × 7 = 21, 21 होता है ना, और 33 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 33 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, 33 − 21, 3 में से 2 = 2, 12। यहाँ पे लिख सकते हैं 9 × 8 + 12। यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो गया, बच गया कर्ली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट। उसके बाद देखिए −15 + 90 / 89 − 9 = 72। अब 72 और 12 कितना होता है, 84 होता है, तो 89 में से 84 को अब घटा देंगे, यहाँ पे कितना बचेगा, −15 + 90 /
नवासी में से 84 का तो कितना बचा 5, 90 यहाँ पे कितना बचेगा माइनस 15 प्लस 90 भागा 5, 5 से 5 एक 5 बच गया 40, 5 से 8 होने तो माइनस 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि 8 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। हमें दिया हुआ है कि 8 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा, यही ना, और इसका हमने क्या पूछा है, न्यूनतम मान पूछा है। तो इसका जो न्यूनतम मान होता है वो 2√ab के बराबर होता है। यहाँ पे a क्या है, जैसे ये फॉर्मेट रहता है a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा रहे, तो इसका न्यूनतम मान कितना होगा, मिनिमम मतलब न्यूनतम 2√ab, या यहाँ पे रहे a कोस स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा, तब पर उसका न्यूनतम मान कितना होगा 2√ab ही होगा, या a टेन स्क्वायर थीटा प्लस b कोट स्क्वायर थीटा रहे तब पर इसका न्यूनतम मान 2√ab ही होगा, और मैक्सिमम मान जो है अधिकतम वो इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए ए की जगह पे क्या है 25 है और बी की जगह पे 8 है, तो 2√25 × 8 हो गया ना। अब एक बात होता है 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है, यहाँ पे आ जाएगा भरी 2 × 5 8 है, तो 8 को लिख सकते हैं 4 × 2 = 8, 4 का वर्गमूल 2 भरी आ जाएगा, अब बचेगा √2, तो 5 × 10 और 2 × 20, तो यहाँ पे आगे 20√2। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही दिख रहा है, तो यहाँ पे जो है पहला था डी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करा है कि 6300 रुपए को एक्स वाई जेड में एक्स वाई जेड के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि एक्स अनुपात वाई जो है वो 7:5 और वाई अनुपात जेड जो है वो 4:3 हो तो होता है, तो वाई के हिस्से की में कितनी धनराशि है। हमसे पूछा जा रहा है कि वाई का जो है वो हिस्सा कितना है, तो यहाँ पे देखिए कुल रुपया कितना है 6300 रुपया, उसको जो है एक्स वाई जेड में विभाजित किया जा रहा है, और एक्स वाई का रेशियो हमें दे दिया, एक्स अनुपात वाई जो है दे दिया 7:5, ठीक है, और उसके बाद क्या दे दिया है वाई अनुपात जेड का मान दे दिया 4:3, और कुल रुपया जो है वो कितना है 6300, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि वाई का हिस्सा कितना होगा, यही ना पूछा जा रहा है कि y का जो मान है वो कितना है, ठीक है। हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले xy और z का रेशियो निकालेंगे, xy और z का रेशियो x अनुपात y अनुपात z निकालेंगे, ठीक है। xy का रेशियो कितना है 7:5, मतलब x की जगह पे 7 और y की जगह पे 5 है, y अनुपात z कितना है 4:3 है, तो y की जगह पे 4 और z की जगह पे 3 है, 5 के सामने खाली है 5, 4 के सामने खाली है 4, 7 × 28, 5 × 20, 15, कोई नंबर से कैंसिल हो सकता है तीनों, तो नहीं कैंसिल हो सकता है, उसको रहने देते हैं। अब एक बात है, यहाँ पे जोड़ने पर तीनों को कितना आ रहा है 28 है 20 48 है, 48 है 5 53 है 10 63, तो यहाँ पे पता चला कि जोड़ने पर 63 हो रहा है, हमें दिया हुआ है कुल कितना 6300, मतलब कि 63 जो है वो 6300 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर है 100 के बराबर है, 63 से 63 तो कट जाएगा, तो हमसे किसका हिस्सा पूछा जा रहा था y का हिस्सा, तो y का हिस्सा का अनुपात कितना है 20 है, तो जब 100 के बराबर है तो 20 कितने के बराबर होगा 20 × 100 अर्थात 2000 रुपया, तो हमें पता चल गया कि जो y है उसका हिस्सा कितना है 2000 रुपया है, तो यहाँ पे जो है b ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का b ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6।
तो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है कि यदि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 8 है तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है ना कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर 8 है तो कॉट थीटा बराबर वाट, मतलब कि कॉट थीटा का मान क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, डायरेक्टली क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इधर से इधर, ये 8 बटा 1 लिख सकते हैं तो इसको इससे और इसको इससे गुना कर देंगे। तो एक से कोई इक्वेशन को गुना करेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर 8 कॉस थीटा माइनस 8 साइन थीटा, 8 से दोनों को गुना करिएगा तो 8 दोनों में गुना हो जाएगा। अब एक तरफ कॉस थीटा को कर दीजिए एक तरफ साइन थीटा को, यदि इधर कॉस थीटा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है साइन थीटा को इधर लेके चला है तो क्या बच जाएगा साइन थीटा प्लस 8 साइन थीटा। क्या किए कि इसको इधर लेके चले गए और इसको इधर लेके चले गए और यहां पे लिख दिया 8 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा और इधर इसको लेके तो कितना हो गया 8 साइन थीटा। अब 8 कॉस थीटा में से कॉस थीटा को घटाइए तो कितना बचेगा 7 कॉस थीटा बराबर 9 साइन थीटा। हमें किसका मान चाहिए कोस थीटा का, मतलब कि क्या कोस थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। यदि हम दोनों जगह पे 7 साइन थीटा से डिवाइड कर दें, क्या करें दोनों तरफ 7 साइन थीटा से डिवाइड कर दें क्योंकि हमें कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का मान चाहिए लेकिन 7 साथ में नहीं चाहिए, एक जगह 7 से भी डिवाइड कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 7 7 कैंसिल हो गया साइन साइन कैंसिल हो गया, यहाँ पे कोस थीटा का मान कितना आ गया 9/7। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि शैक्षणिक स्तर 2018-19 के लिए कविता उसके स्कूल में उपस्थिति 216 दिन थी, जो 2018-19 में कविता का जो स्कूल में उपस्थिति थी वो कितना था 216 दिन था, ठीक है। उसकी उपस्थिति की गणना करने पर यह देखा गया कि उसकी उपस्थिति जो है वो 90% थी, कितना थी 90%। तो कहा जा रहा है स्कूल के कुल कार्य दिवसों की संख्या ज्ञात करो, तो हमसे पूछा जा रहा है कि आखिर तो फिर स्कूल कितना दिन चला था। तो एक बात बताइए ओ कविता जो है वो स्कूल में मात्र 216 दिन गई थी, हमें कहा जा रहा है कि ये जो है 90% के बराबर है क्योंकि उसका गणना करने पर कितना पाया जा रहा है 90%। तो 90% जब 216 के बराबर है तो कहा जा रहा है कि स्कूल की कार्य दिवस की गणना करिए तो कार्य दिवस कितना 100% दिन चला होगा। तो जब 90% 216 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा 216 बटा में 90 गुना 100, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 9 से चला जाएगा 9 एक 9 2 18 बच गया 36, 9 6 36 तो 24 गुना 10 240। तो हमें पता चल गया कि स्कूल के कार्य दिवसों की जो संख्या है वो 240 है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन सही है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड में भी शेयर करिए। थैंक यू।